सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कितनी सेवा बेमिसाल भाई कन्हैया गुरु के लाल। सेवा पंथी संप्रदाय वालों, पूरी पूरी सेवा पंथी संप्रदाय वालों, महंत करमजीत सिंह जी वालों, जिन्होंने के एक बहुत बड़ा उपराला किया है, जो भाई कन्हैया साहब जी की 300 साल ज्योति जोत समागम के संबंध में एक संदेश यात्रा जो कि यमुनानगर तो आरंभ हुई सी और 19 तरीक आनंदपुर साहब का समापन है। 20 तरीक बहुत ही बड़े समागम हैं आनंदपुर साहब विखे, शताब्दी समागम हैं जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा पंथी अड्डन शहीद सभा रल के एक बहुत ही बड़े पद्धर के समागम मना रही हैं। ये सारे प्रोग्राम जो आप देख रहे हो MH शरदा बाणी कीर्तन चढ़दी कला टाइम TV अकाल चैनल से यह सब प्रोग्राम लाइव हो रहे हैं। जिथे भी हूँ इस वक्त यह संदेश यात्रा निकल रहेगी। संतों प्रति बेनती है कि जो भी इस आवाज़ में सुन रहे हैं और रस्ते आके संत गुरु महाराज के दर्शन करन अते अपने जीवन सफले करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संदेश यात्रा चल रही है उससे पूजी देश वे प्रदेश तो सारे तो जी संगत आई ने सारे जी एन आखते हैं। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जरा कि राति ठहराव इतने से कोई साढ़े तो बुला चुके तो संगत तो बुला चुके की माफ़ी मंगने सारे जी एम भी कहने जिमें कि आप जी को पता है जोड़ा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरीगढ़ तुम खड़े हो 31 अक्टूबर 1925 की उसारी हैगी आने वाले 7 साल बाद 100 साल पूरे कर जा रहे हैं। तो 100 साल तो बाद गुरुद्वारा अपने आप इतिहासिक कन्वर्ट हो जाता है। महाराज की बड़ी कृपा हैगी दसम पातशाह की जिहड़ा कि इन्होंने जिहड़ा निशान से तुम सामने देख रहे हो लहरा रहे। मैं चाहवागा मेरे कैमरा वीर एक बार जरूर उत्थे रिफ्लैक्ट हो ताकि संगत नूं दर्शन हो सकन। वो निशान साहब जिहड़ा हरियाणा का सब तो उच्चा महाराज ने सानूं उत्थे बख्शिया हैगा। तो यह जी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिहदा अज गेट का काम शुरू हो रहा है यह भी बिल्डिंग उतनी ही पुरानी है 93 साल पुरानी।
ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਮਾਰਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਮਾ ਯਾਚਨਾ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਠਹਿਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੇਵਾ ਬੇਮਿਸਾਲ।